नहीं थ्री तो नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। देख लो एक क्वेश्चन देख लोगे, बाकी ट्राई करोगे तुम लोग। इसमें देखना कि ये क्या रहा, 1 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री क्या, और जो कार्बन का डिग्री है वही उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन का भी डिग्री है। हाइड्रोजन का मैं अलग से नहीं देख रहा हूँ। ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। तो सेम टाइप होने के लिए कंडीशन क्या था वहां पे है, डिग्री एज वेल एज कनेक्टिविटी, दोनों सेम होगा तो फिर सेम टाइप का हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे चेक करना है ये 1 डिग्री, और डिग्री अगर डिफरेंट हो गया दैट मीन्स वो डिफरेंट टाइप का तो है। डिग्री सेम हो गया देन कनेक्टिविटी चेक करना होगा। देख लेते हैं इसमें, चेतन विवेक का आंसर आ रहा है, बट थोड़ा वेट करो इसमें। अब इसमें यहाँ पे चेक करना है कि 1 डिग्री 3 डिग्री ये दोनों तो डिफरेंट है, डिग्री ये डिफरेंट हो गया। अब देखना कि ये जो 2 डिग्री है यहाँ पे है, ये 2 डिग्री एक 3 डिग्री से कनेक्टेड है और एक 2 डिग्री से कनेक्टेड है, और इसके नीचे वाला जो 2 डिग्री है ये किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री और ये 2 डिग्री से, ये दोनों डिफरेंट टाइप का है। और ये जो 2 डिग्री नीचे वाला है उसके और आगे जा करके चेक करोगे कि ये 2 डिग्री जो कनेक्टेड है, 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे और आगे जा करके चेक करते ये भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे डिग्री वाइज जब चेक करते है काफी टफ हो जाता है सोचना। ऐसे क्वेश्चन को सिमेट्रिसिटी से चेक करते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे कि ये 1 डिग्री 3 डिग्री। अब ये 2 डिग्री आ रहा है और इस लाइन के सेमेट्रिकल आ रहा है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री तुम्हारा सेम टाइप का है। कोई डिफरेंट सिंबल दे दो यहाँ पे, दैट मीन्स डिग्री डिफरेंट है, डिफरेंट है वो हाइड्रोजन। अब ये दोनों इस लाइन के सेमेट्रिकल आ रहा है, जो वर्टिकल लाइन आ रहा था, दैट मीन्स ये दोनों सेम। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप, मैं कुछ डिफरेंट सिंबल बना दे रहा हूँ बस। और नीचे वाला जो 2 डिग्री इसी लाइन पे आ जा रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइप का हो जाता है। क्लियर है? इसमें टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो मिलता है 5। ये तो एक प्रोसेस हुआ, इसका दूसरा बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे है इसी स्ट्रक्चर को मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें सोचने का तरीका बस ये था कि इसमें एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करना है। मान लो कि अगर एक ये लाइन सिमेट्रिकल, बोलो सर मैं हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, अगर हॉरिजेंटल ड्रॉ कर देती है सिमेट्रिकल आ रहा है क्या, ऊपर सी एच के नीचे सी एच के आई थी, सही नो सर, है। यहाँ पे क्या हुआ, यही लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल लाइन बोलने मतलब क्या है, पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे, ये लाइन टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। और ये 1 डिग्री ये 3 डिग्री तो था ही है, ये तो डिफरेंट टाइप का होगा। अब देखना किस लाइन के सिमेट्रिकल वर्टिकल लाइन के इधर 2 डिग्री थी, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री थी, ये भी 2 डिग्री, बट ये दोनों 2 डिग्री जो आ रहा है इस वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिकल आ, दैट मीन्स ये और ये सेम और ये और ये सेम, बट ये और टू ये दोनों डिफरेंट होगा क्योंकि ये किसी के सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, और ये तो लाइन पे ही आ रहा था, ये भी डिफरेंट होगा। अब इसका लास्ट उपाय और एक है जहां तुम्हें भी कंफ्यूजन हो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम है या नहीं है, वहां पे दोनों जगह क्लोरीन ऐड करके देख लो। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे लग रहा है कि ये Cl और ये Cl सेम है, तो सेम कब होगा, जब प्रोडक्ट भी सेम बनेगा वहां पे। यहाँ पे क्या करोगे, Cl को ऐड कर दो, एक Cl को, दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे क्या था इस केस में, एक ये Cl ले लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट, डिफरेंट है सर, डिफरेंट आईपीएससी डिफरेंट नेमिंग है, करोगे, बिल्कुल सही है, नेमिंग करोगे कि डिफरेंट दोनों कंपाउंड पोजीशन डिफरेंट है, अलग पोजीशन अलग। अलग अलग है। दैट मीन्स यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ का जो नीचे का हाइड्रोजन होगा वहां पे वो दोनों हाइड्रोजन भी डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा तभी ये दो डिफरेंट प्रोड बन पा रहा है वहां पे। अब नीचे लग रहा है सर ये भी तो 2 डिग्री हाइड्रोजन था, ये भी तो सेम होना चाहिए, ऐसा कहीं भी कंफ्यूजन तो वहां पर भी एक सीएल अटैच करके देख लो।
ये लास्ट इसका ऑप्शन होता है, चेक करके देखना। यहाँ पे तो सी एच थ्री है ही, अब एक सी एल को नीचे एड कर दो इस कार्बन पे, एक एच को रिप्लेस करना था एक क्लोरीन से, तो ये किसी से मैच कर रहा है दोनों से क्या? ये डिफरेंट है नो सर, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स ये तीनों जो टू डिग्री आ रहा है ये तीनों डिफरेंट टाइप का, और ये थ्री डिग्री और ये वन डिग्री, दैट मीन्स टोटल क्या आ जाता है फाइव, तो तीन तो ये उल्टा आ जाएगा, और कौन सा पोर्ट रहेगा वहां पे? थ्री डिग्री कार्बन का जो एक एच है यहाँ पे एक सी एल पोर्ट टच करता है, एक एच और कहाँ पे आएगा तुम्हारा इसमें ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का आ जाता है, बिल्कुल सही है, सी एच टू सी एल, यही टोटल फाइव आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं और एग्जांपल आएगा तो और क्लियर होगा यहाँ पे, इसको नोट डाउन करो, और जो लोग नोट डाउन कर लिए तीस क्वेश्चन में यहाँ पे चेक करोगे, सेम क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, डाउन करो, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलने का मीनिंग है कि हम लोग सिर्फ अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़े हैं, इसमें स्ट्रियो आइसोमेरिज्म भी होता है जो कि 12th का पार्ट रहता है, स्ट्रियो आइसोमेरिज्म, विवेक के चेतन के सही आ रहा है, शेखर थोड़ा और सोचना होगा उसमें, 8 तो आंसर नहीं है उसका, सही है, गायत्री के भी सही आ रहा है, बाकी लोग भी सोचो, दर्शन थोड़ा सा और सोचना होगा, सही है इसमें, सुदर्शन थोड़ा सोचो इसमें, चारों तत्व वाला सही है, करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका क्या जाता है यहाँ पे है फोर, कैसे सोचोगे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करना है, डिग्री वाइज यहाँ पे मत जाओ, डिग्री वाइज भी सोचेंगे बट इसमें फाइनली क्या होगा सिमेट्रिकल, एक ये सिमेट्रिकल इसमें क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा, क्लियर है, That means, ये जो वन डिग्री आ रहा है ये वन डिग्री और ये वन डिग्री सेम टाइप का, ये थ्री डिग्री सेम टाइप का तुम्हारा, ये टू डिग्री मैं कोई डिफरेंट सिंबल बनाता हूँ, ये टू डिग्री सेम टाइप का, और ये टू डिग्री और ये टू डिग्री सेम टाइप का, टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना मिल रहा है फोर, कौन कौन सा पॉइंट बनेगा तो खुद से ड्रॉ कर सकते हो, एक को यहाँ पे एड करते हैं सी एल को, दूसरे केस में यहाँ के एच को रिप्लेस करते हैं डिग्री वाले को, फिर यहाँ के कैच को रिप्लेस करते, फिर यहाँ के, समझ में तो आ रहा है इसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? यस सर। चलो ठीक है, तो इसका ज्यादातर क्वेश्चन इंटीजर टाइप में, जब एडवांस का पेपर होगा या मेंस का, तो उसमें इंटीजर टाइप में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तुम्हारा, वही वैल्यू पूछा जाता है वहां पर, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अब मैं इसका प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, तुम लोग खुद बना सकते हो यहाँ पे, Cl2 HNO, इसमें भी सेम क्वेश्चन, थोड़ा सोच के बताओगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, थोड़ा सा सोचना था उसमें, सिमेट्रिकल एक से ज्यादा लाइन भी इसमें सिमेट्रिकल हो सकता है, वर्टिकल भी और ऑरिजेंटल भी, उसके अकॉर्डिंग सोचना है फाइनली तुम्हें, सही है विवेक, सही है दर्शन, सही आ रहा है इस बार, चेतन अब सही आ रहा है, शेखर नहीं, और सोचो और तो नहीं है सर, हाँ देखते क्या रहेगा, हाँ बताओ सर, अगर हम वाले बुक में ये प्रोडक्ट नहीं बनाए तो चलेगा, सिर्फ लिख देंगे फोर, नहीं यहाँ पे तुम प्रोडक्ट अभी बाद में बना लोगे प्रोडक्ट, या तुम लोग खुद से बना लो, अभी यहाँ पे कौन कौन सा रहेगा, मैंने स्टार्टिंग से सब क्लियर ड्रॉ किया था अभी, बाकी यहाँ पे बना,
चलो ठीक हम है, बना लेंगे, पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बाद में भी बना सकते हो। चलो ठीक है, इसमें कितना रहेगा? तो यहाँ पे जो रहेगा, कुछ लोगों का 3 और कुछ लोगों का 4 आ रहा था। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? 3। कैसे सोचोगे इसमें? यहाँ पे इसमें दो सिमेट्रिक लाइन हो सकता है, वर्टिकल लाइन भी एक यहाँ पे सोचोगे और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी सिमेट्रिक का लाइन हो सकता है यहाँ पे। अब इसमें अगर सोचो तो ये जो आ रहा था 1 डिग्री और ये 1 डिग्री नीचे वाला, ये सेम टाइप का, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सिमेट्रिकल आ रहा है। ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री सेम टाइप का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का सिमेट्रिकल आ रहा है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, हॉरिजॉन्टल लाइन का सिमेट्रिकल आ रहा है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, बट ये जो 2 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री लेफ्ट राइट वाला यहाँ पे, तो वो वर्टिकल लाइन का भी सिमेट्रिकल है। डेट मीन्स ये 2D और ये 2D तो सेम है ही, साथ में ये भी 2 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है। यहाँ पे 4 और 2 डिग्री सेम टाइप का ये वहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोन कितना मिल रहा है? 1 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 और 2 डिग्री सेम टाइप का। डेट मीन्स इसमें क्या रहेगा? 3। अब लास्ट उपाय क्या है इसका? कहीं भी कुछ कंफ्यूजन आ रहा है सेम है या नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे क्या करो, एक सीएल को यहाँ पे ऐड करके देख लो, या फिर इसी सीएल को जब इधर ऐड करते हो, तो ये तो CH3 है, यहाँ पे सीएल, तो सीएल को इधर ऐड करो या फिर इधर ऐड करो, वो तो सेम ही बनेगा कंपाउंड, या फिर ऊपर ऐड करो या फिर नीचे ऐड करो, कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? सेम ही। ये चारों 2 डिग्री सेम ही टाइप का है, कहीं पर भी एक H को रिप्लेस करो एक क्लोरीन से, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा वहां पर। और बाकी ये 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री सेम है ही, तो टोटल क्या मिल जाएगा इसमें? 3। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? कैसे 3 आ रहा है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताओ। यस सर। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते तो और क्लियर होगा। एक मिनट लिख ले। चलो ठीक है, बिल्कुल नोट कर लो यहाँ पे, जो लोग नोट कर चुके इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो अभी, कौन कौन सा 3 पॉइंट मिलेगा। एक सबसे ऊपर ऐड कर देते हैं 1 डिग्री वाले पे, फिर 3 डिग्री पे एक एच को रिप्लेस करते क्लोरीन से, और बाकी 4 और 2 डिग्री में से कहीं भी तुम्हें जहां भी मन करे वहां पे एक सीएल को लगा दो। तो लास्ट ऑप्शन, जहां कहीं भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वहां पे सीएल को ऐड करके देखोगे और नेम सोचोगे, उसका पता चल जाएगा तुम्हें सेम है या डिफरेंट है। क्वेश्चन सब हर केस में सेम आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, Cl2 है तो क्लोरो, Br2 होता तो ब्रोमो वर्ड यूज किया जा सकता है। कर ले, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? यस सर, लास्ट का बाकी 1 मिनट। कर लो कॉपी कर लो, और बाकी लोग सोचो कि इसमें टाइम से लेक्चर ज्वाइन करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 5-10 मिनट भी मिस होता है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन एक दो पॉइंट मिस हो जाए, तो फिर तुम्हें दिक्कत जाएगा आगे। जब भी लेक्चर अटेंड करना है तो स्टार्टिंग से लेकर के और कंप्लीट, ऐसा नहीं कि लास्ट का 5-10 मिनट बचा हुआ है, हो सकता है कुछ 10 मिनट में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जो कि फिर तुम्हें पूरा चैप्टर में ही दिक्कत जाए। अटेंड करना तो पूरा लेक्चर ही अटेंड करना है, और बाकी किसी रीजन से अगर होता है कि नेटवर्क इशू है पूरा अटेंड नहीं कर पाए तो वो एक अलग रीजन। चलो ठीक है, कर ली कॉपी कर लिया है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सर ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल,
इसमें Cl2H नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बताओ। सोच के काफी आसान सा क्वेश्चन है ये तो। फाइव देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। सिमेट्रिसिटी से चेक करो, काफी आसान रहेगा। सही बिल्कुल सब लोगों का, चेतन सुदर्शन प्रणव बिल्कुल सही आ रहा था। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे, सही है शिवानंद, सही है। इसमें ये क्या रहेगा इस केस में, फाइव। कैसे चेक करोगे, सिमेट्रिक का लाइन ड्रॉ करना था एक, जो कि यहाँ पे क्या रहेगा ऑरिजेंटल लाइन। ये इस लाइन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी, ये डिफरेंट टाइप का, और ये क्या होगा, ये तुम्हारा, ये दोनों सेम टाइप का, ये दोनों सेम टाइप का आ रहा, बस इंडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे किसी भी चीज से। ये दोनों सेम टाइप का, और ये दोनों क्या रहेगा तुम्हारा, सेम, जैसे इंडिकेट करना चाहिए। डेट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मिल रहा है। That means 5 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मिल पाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, तो सिमेट्रिसिटी से काफी आसान हो जाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आएगा तो सिमेट्रिसिटी से ही चेक करना। चलो ठीक है, ये तो लोग सोच रहे थे इसमें स्ट्रक्चर की बने तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट सोच रहे थे यहाँ पे, अब उल्टा सोचना है यहाँ पे। क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ रहा हो, हाँ बताओ सर, दोनों जगह साइक्लिक दोनों जगह साइक्लोहेक्सेन होगा तो वो कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एक एग्जांपल वो भी कर लो यहाँ पे। चलो ये भी एक क्वेश्चन ये आ गया, तुम लोग ही सोच के बताओ सब लोग कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना आएगा। एग्जाम में तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं रहेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका बुकलेट का तो अपने आप आइडिया लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो वहां पे तुम्हें हो सकता है कि बेसिक कंपाउंड्स का नेम दे दिया जाए, लेकिन वो पीछे कर रहे थे अभी, हो सकता है कि फर्स्ट एग्जांपल था मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो सिंपल कंपाउंड्स का नेम भी रह सकता है। ये तुम्हारा क्या है, बायसाइक्लो कंपाउंड्स है, जनरली इसका नेम नहीं रहता है बायसाइक्लो का। देखते हैं आंसर आ रहा है तुम लोगों का, विवेक प्रणव 3, शिवानंद का 2 आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे, सनिका 7, चेतन 6, रुषभ शेखर 6, सुदर्शन का भी 6, चेक करते हैं यहाँ पे। सिमेट्रिसिटी एक क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि हर एक टाइप का सिमेट्रिसिटी चेक करना है यहाँ पे, ठीक, ये भी तुम्हारा सिमेट्रिसिटी है, क्लियर है, और एक ये भी सिमेट्रिसिटी है तुम्हारा, दोनों है यार। यहाँ पे क्या करोगे कि ये किसकी, ध्यान दो मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये 1, ये वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिकल आया, ये 1 तो ये भी 1, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सिमेट्रिकल, ये 1 और ये 1, दैट मीन्स ये चारों सेम टाइप का, ध्यान दोगे। इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा, ये इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, तो ये वर्टिकल लाइन का सिमेट्रिकल आ रहा है, ये भी 2, और ये जो 2 ऊपर था इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सिमेट्रिकल आ रहा है, नीचे 2, ये 2, ये चारों 2 बोल रहे, सबको 2 पोजिशन देने का मतलब क्या है, तो चारों सेम टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर, और यहाँ पे ये क्या रहेगा 3 डिग्री, दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का आ रहा है। ये क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको 3, इसको भी 3 दे रहा हूँ नंबर यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 ही, इसका आंसर क्या आया था यहाँ पे 3। किसी को कुछ डाउट तो इसमें बता सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे, अब सही है इसमें वो क्या रहेगा, 3 आएगा, 7 नहीं होगा इस केस में, क्योंकि दो दो, अब इसमें अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, इसमें सिमेट्रिसिटी आ रहा है क्या, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, उसमें नहीं आ पा रहा, नो सर, सही इसमें नहीं आएगा, सही है बिल्कुल,
यहाँ पे दोनों साइक्लोहेक्सेन रिंग होने के चलते दो दो टाइप का सिमेट्रिसिटी मिल पा रहा है, तो इसमें तीन ही डिफरेंट मोनोक्लोरोपोड मिलेगा यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन भी तो सोच सकते हो वहां पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें इस टाइप का बता रहा था कि अगर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, कोई कंपाउंड गिवन है ए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। अब इसका जब यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कराया जा रहा है Cl2H2, इसमें बोला जा रहा है कि ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ए का स्ट्रक्चर क्या हो जो कि एक ही मोनोक्लोरोपोड मिल पाए, ओनली वन मोनोक्लोरोपोड। इसका ड्रॉ करो, सोचो क्या रहेगा वहां पर। बाकी देखो किसी का माइक अभी भी अनम्यूट है, तभी म्यूट कर करो, जब बताना हो कुछ या पूछना हो तो उस टाइम अपना हमारे पास ऑप्शन आता है अनम्यूट का, अनम्यूट करके फिर क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि C5H12 DU कितना आ रहा है इसका, जीरो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। DU जीरो का क्या मीनिंग है, कोई भी रिंग नहीं होगा, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ओपन चेन नहीं होगा। इसमें क्या क्या पॉल्यूटी है C5H12 में, मान लो कि 5 कार्बन का ये चेन बना लिया यहाँ पे, पेंटेन देखते हैं वहां पे। भाई मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, सोचना कैसे यहाँ पे, पर इस पे तीन है ना। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको अगर इसमें क्या क्या पॉल्यूटी है C5H12, इसमें कितना आ जाता तो मैं 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा आइसोमर चेक करना होगा, 4 कार्बन का चेन बनाओ और एक को बाहर रखो यहाँ पे, इसमें कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा सोच के बताओ। इसमें तो 3 मिल जाता, सही आ रहा था बिल्कुल, इसमें कितना आएगा, क्लास में किए हुए सेम क्वेश्चन, तो खुद से सोच पा रहे तो खुद से सोचो, नहीं तो क्लास नोट देखो इसमें। इस स्ट्रक्चर का टोटल 3 आएगा, 3 आएगा या फिर नहीं, सोचना यहाँ पर। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तीन टाइप का तो दिख रहा है क्लियरली, बट ये दोनों 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री से, इसमें ये दोनों सेम टाइप का है, बट ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 आ रहा है, इसमें से यहाँ पे 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इसमें बोला जा रहा है कि एक ही हो तो C5H12 का और एक आइसोमर बना सकते हैं, और वो कौन सा आइसोमर रहेगा इस टाइप का, नियोपेंटेन। बिल्कुल सही है, नियोपेंटेन। ये तुम्हारा जेई मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन यही था, उसमें अलग अलग ऑप्शन था। हाँ बताओ, इसके लिए 1 है, सही है, बस वही स्ट्रक्चर देखना। तो इसमें क्या आएगा, C5H12 आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी, और इसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये CH3 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 CH3, बीच वाला कार्बन तो है बट वहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक ही है यहाँ पे है, दैट मीन्स ये चारों सेमी टाइप का, एक ही डिफरेंट टाइप का हुआ, तो ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट सिर्फ इसी में मिल पाएगा, दैट मीन्स ए का जो स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन पूछा जाता कि C5H12 Cl2H2 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, 4 पूछा जाता कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है यहाँ पे, ऑप्शन जो भी रहेगा इस टाइप का उसको टिक करता है। तो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सिमेट्री से भी ढूंढ सकते थे, इससे बता के पूछ रहे फर्स्ट एंड थर्ड सिमेट्री से भी उसका ढूंढ सकते, सिमेट्रिसिटी से भी चेक कर सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड को, बट ओपन चेन में सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हो या नॉर्मली भी कर सकते हो, अगर 4-5 तक कार्बन आ रहा है यहाँ पे डिग्री वाइज भी, बाकी बिल्कुल सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हो।
जहां भी तुम्हें लग रहा है कि सिमेट्रिसिटी दिख रहा है क्लियरली, तो सिमेट्रिसिटी से कर सकते हो। चलो इसको कॉपी करो यहाँ पर, इसको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं, बाकी नोट करके इसमें लिख दो कि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4, तो आंसर क्या आया था इस क्वेश्चन का, ये स्ट्रक्चर आता नियो पेंट है। सो नेम बता भी रहे थे, बिल्कुल करेक्ट है, इसका नेम क्या होगा, नियो पेंट है। तो जो जेई मेन्स पूछा था उसमें स्ट्रक्चर बना करके नहीं दिया गया था, उसमें अलग अलग ऑप्शन में नेम दे दिया गया था, तो सबका बेसिक नेम भी पता होना चाहिए, एक ये ध्यान रखोगे। कर ली कॉपी कर लिया सब लोग? चलो मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, कॉपी कर लो तुम लोग, चलो कॉपी कर लो, ऊपर तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इसमें पूछा जा रहा है कि Cl2H2 टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, क्वेश्चन सेम है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे, कंपाउंड्स का नेम, उसका स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना है खुद से, देन उसके बाद सोचने क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो खुद से क्या होगा यहाँ पे, और फिर उसका आंसर बताओ। तो अगर नेम गिवन होता है कंपाउंड का, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखोगे, वर्ड रूल, वो क्या है ब्यूट, दैट मीन्स मेन चेन में कितना कार्बन होगा, 4, और वो एन ई लगा हुआ, दैट मीन्स सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड। अब देखो यहाँ पे टेट्रा मिथाइल दिया गया है और कुछ पोजिशन वगैरह नहीं दिया गया, तो इसका मीनिंग क्या, यहाँ पे CH3 4 कार्बन का चेन होगा तुम्हारा, और इस कार्बन पे एक CH3, और यहाँ पर भी क्या होगा, CH3। तो कहीं से भी अगर सेलेक्ट करोगे तो मेन चेन इसमें कितने कार्बन का आएगा, 4 कार्बन का ही, 1, 2, 3, 4, इधर से भी लो या स्ट्रेट चेन लो, तो 4 कार्बन का मेन चेन, दैट मीन्स ब्यूटेन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट, अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस आपको? यस सर। चलो ठीक है, बीच में थोड़ा देर के लिए अगर ऐसा हुआ होगा बाकी अब ठीक रहेगा, तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, नहीं कृष्णा थोड़ा और सोचना है, ये तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि डिफरेंट टाइप, अब यहाँ पे पोजिशन अगर नहीं भी दिया गया तो इसका मतलब क्या है, ये 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, तो अंडरस्टैंड है किसी 2, 3 पोजिशन पे दो दो मिथाइल ग्रुप होगा 2 और 3 पोजिशन पे। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हूं मैं, अब तो बता सकते हो उस करेक्ट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पर, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन बताओ, फिर से बताओ सर, मिथाइल टेट्रा मिथाइल सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्यों आए, एक बार बताओ, तुम कहाँ लगाना चाहते हो, किस पोजीशन पे, तुम जो सोच रहे हो वहां पे, जहाँ पे तुम्हारा मन करे हो, तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट पे लगाओगे या फोर्थ पे लगाओगे तो भी लगा लो वहां पे, CH3 यहाँ पे मैं CH2 कर देता हूँ। अब देखो मैंने अगर यहाँ पे लगा दे तो लास्ट पोजीशन पे CH3, अब इसमें मेन चेन कितने कार्बन का हो जाएगा फिर तुम्हारा, 1, 2, 3, 4, 5, तो मेन चेन तो 5 का लेना नहीं है, मेन चेन तो 4 ही रखना है ब्यूटी, दैट इज मैंने 2 और 3 पे ही लगाया है, क्लियर है अब? चलो ठीक है, यहाँ पे 2, 3 पोजीशन पे ही मिथाइल आएगा वहां पर,
अभी तक जितना भी आंसर दे रहे हो किन्हीं का भी सही नहीं है इसमें। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, कुछ और लोगों का आंसर आ रहा है इसमें। अब सही है रुशद शेखर, अब सही आ रहा है। इसमें देखना कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, नहीं शिवानंद अभी भी सही नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसमें ये तो 4 डिग्री कार्बन आ गया और 4 डिग्री कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके अलावा बच गया तुम्हारा ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब कहीं भी ये जितना भी 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो सब सेम टाइप का। क्यों सेम टाइप का? इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है इसमें, यहाँ पे है ये CH3 सेम टाइप का, क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिसिटी आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या? पूछते बताओ क्या पूछ रहे हो? उसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी? बिल्कुल, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। इसमें भी चेक कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, सिमेट्रिसिटी से भी और नॉर्मल तरीके से भी। इसमें जब हॉरिजॉन्टल लाइन लोग है तो ये CH3 सेम टाइप का और ये भी सेम टाइप का। अब जो अगर यहाँ पे अगर नॉर्मली से चेक करना चाहो तो यहाँ पे इसमें क्या आता है, इस केस में CH3 में एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लू, CH3। अब देखोगे इसमें ये तीनों 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री से, और ये भी जो आ रहा है यहाँ पे तीनों 1 डिग्री कार्बन वो भी किससे कनेक्टेड, सॉरी 4 डिग्री कार्बन नॉट 3 डिग्री, ये भी 4 डिग्री कार्बन और ये भी 4 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे ये CH3, ये तीनों CH3 क्या है, सेमी टाइप का यहाँ पे, और ये CH3 भी क्या आ रहा है तुम्हारा, सेमी टाइप का आ रहा है तीनों, क्योंकि ये तीनों क्या आ रहा है 4 डिग्री से कनेक्टेड है और ये भी 4 डिग्री। अब जो ये CH3 इसके सिमेट्रिकल, दैट मीन्स ये दोनों भी सेम, ये दोनों सेम और ये CH3, ये CH3 भी सेम। इसमें चार, इसमें जो 6 CH3 है सब सेमी टाइप का, यहाँ पे ओनली 1 मोनोक्लोरोफॉर्म मिलेगा यहाँ पर। अब कहीं भी तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है इस केस में यहाँ पे, वहां पे क्या करो, जहां भी तुम्हें लग रहा है कि ये CH3 सेम नहीं हो सकता है वहां पे एक Cl को अटैच करके देखो। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो लास्ट ऑप्शन ये होता है कि वहां पे क्लोरीन को अटैच करके देख लो, वो नेम डिफरेंट आ रहा है, दैट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर, यहाँ पे ओनली 1 मोनोक्लोरोफॉर्म मिलेगा। इसका देखते हैं वहां पे हम लोग, ये दोनों कंपाउंड सेम ही है यहाँ पे है, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अब तुम्हें लगता है कि कहीं से भी मैं डिफरेंट टेक अगर हो, लेकिन CH3 चलो मैं यहीं पे Cl को अटैच कर दूं, Cl CH3 CH3। इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा यहाँ पे, ये सोचना है। मेन चेन को सिलेक्ट करो, इसमें मेन चेन कौन सा रहेगा तुम्हारा, इसमें मेन चेन अगर देखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन स्टेट चेन लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आएगा तुम्हारा, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स 4। इसके अलावा और भी किसी को अगर देखते हो यहाँ पे है, अब मान लो कि ये तुम्हारा मेन, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा तुम्हारा, 1 2 3 4, इसमें 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा। अगर इसको मेन चेन मानते हो यहाँ पे, ये भी तो एक मेन चेन हो सकता है, इसमें भी तो 4 कार्बन एटम्स ही है, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है तुम्हारा, 4 1, 2, 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है ध्यान से,
टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 5, तो मेन चेन अब ये आ जाएगा। तो क्लोरीन को कहीं भी अटैच करो, अब यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि क्लोरीन को फर्स्ट पोजिशन देना है सब्स्टिट्यूएंट्स को। यहाँ पे क्लोरीन को ऐड करो या कहीं भी क्लोरीन को ऐड करोगे, इधर क्लोरीन को ऐड करते हैं फिर यहाँ पे ये मेन चेन आ जाता, तो कंपाउंड्स का नेम सेम ही आना है यहाँ पे, इसमें ऑल हाइड्रोमेटम्स आर सेम, सेम टाइप का आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे एक ही टाइप का मोनोक्लोरोफॉर मिल पाएगा। क्लियर है यहाँ पे है। यहाँ पर भी अगर नीचे क्लोरीन को ऐड कर दो या यहाँ पर क्लोरीन को ऐड करोगे तो सेम ही कंपाउंड्स का नेम आएगा, जो इसका नेम आएगा। चलो ठीक है, जो भी नेम आएगा तो वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा वहां पर। 2, 2, 4, 4 इसका जो नेम रहेगा 2, ये 1, 2, 3, इसमें अगर नेमिंग में दिक्कत आ रहा तो इस तरीके से करते हैं, ये इधर से नंबरिंग करो, तो 2 और 3 पे CH3 आ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन था इसमें कि जनरली नेम दे दिया था कि टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इसमें ओनली वन मोनोक्लोर स्ट्रक्चर प्रोटीन मिलेगा। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें सोच सकते हो, अगर उल्टा भी दिया रहे उसको सोच सकते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा कंपाउंड्स का, अगर 1 दिया रहे या 2 दिया रहे 3 दिया रहे, जो भी हो उसमें सोच सकते हो। तो ठीक है कि हम लोग देख रहे थे, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हो यहाँ पे तो सोच सकते हो। इसमें तुम लोगों को सोच के बताना कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये करेक्ट आना चाहिए सबको। आप टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट सही है, विवेक शेखर सही आ रहा है, नहीं सुदर्शन, नहीं बागुल तुम्हारा भी सही नहीं है उसमें। सही है कृष्णा, सही है प्रणव, सही है तुम्हारा भी, सही है शिवानंद का भी सही आ रहा है इस बार, तो ठीक है। कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहा है अभी भी, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ये तो 4 डिग्री कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये दोनों 1 डिग्री भी 4 डिग्री से कनेक्टेड है, ये दोनों 1 डिग्री भी 4 डिग्री से, ये दोनों 1 डिग्री भी 4 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड है, तो ये सब सेम टाइप का आ रहा है यहाँ पे, और जब सब सेम टाइप का है ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या आता है 1, तो कहीं पर भी एक एच को रिमूव करके एक क्लोरीन को ऐड करो वो सेम ही बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे, इसमें सब सेम टाइप का आ रहा है 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ठीक है, ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सोच सकता है वहां पे क्या रहेगा। अब एक इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इस कंपाउंड्स का नेम क्या है कौन बताओगे? मिथाइल बेंजीन, टॉलिन, दोनों नेम सही है इसका, कुछ लोग मिथाइल बेंजीन बता रहे हो, टॉलिन, दोनों करेक्ट नेम है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि इसका जब Cl2H2 करते हैं मोनोक्लोरिन H2 या सनलाइट, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो यहाँ पे इसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो बेंजीन का कार्बन है, किसी भी एक कार्बन को अगर देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, सेम क्या आ रहा है, सेम, तो बेंजीन का हर एक कार्बन का सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का? sp sp
हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है, वो अंडरस्टूड है, बॉन्ड लाइन sp2 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 क्योंकि हर एक कार्बन पे सबको पता है कि बेंजीन में हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है जो कि अंडरस्टूड होता है, ये क्या रहे है sp2। ये sp2 बोलने मतलब क्या आ गया, ये अनसैचुरेटेड कार्बन आ गया। जबकि स्टार्ट में एक पेज प्लॉट करके देखो जो हम लोग पॉइंट लिख रहे थे उसका सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था, उसमें सेकंड लास्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट देखो, रीड करो एक बार। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये बिल्कुल, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। दैट मींस जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन हो या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वहां पे मोनो हैलोजिनेशन होता ही नहीं है। ये कहां पे सिर्फ होगा, ओनली एट sp3 कार्बन। ये कार्बन क्या आ रहा है यहाँ पे sp3, क्योंकि उस कार्बन से फोर सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस फोर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पर। यहाँ पे जो मोनोक्लोरिनेशन होगा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होगा, बाकी का जो हाइड्रोजन है उसको चेक नहीं करना है। यहाँ पर भी एक ही मोनोक्लोरिनेशन है, बताओ फिर से। तो वन ही आंसर आएगा, बिल्कुल वन ही आंसर आएगा, एक ही मोनोक्लोरिन बनेगा यहाँ पर, और वो क्या प्रोडक्ट बनता है सिर्फ यही बनेगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पे है, ये सिर्फ sp3 कार्बन पे ही, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है बट इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है Cl2। क्यों नहीं करता इसका भी रीजन है, बट अभी ये नो GOC में पढ़ेंगे, इसका हर एक पॉइंट अलग अलग रहता है कहाँ पे डिटेल में आएगा। वो यहाँ पे बस याद रखना कि ये काम किसके लिए होता है, ओनली फॉर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन जो कार्बन की sp3 हो दैट मीन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आ रहा वहां पे, वहीं पे ये हैलोजिनेशन प्रोसेस हो पाता है। एक ये पॉइंट भी याद रखना इसमें। चलो ठीक है, बिल्कुल जो आंसर बता रहे हो इसका ये क्या था, वन ही। ये हम लोग देख रहे थे इसमें मोनो हैलोजिनेशन प्रोसेस, और ये मेनली किसके लिए था, सेचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मान लो कि यहाँ पे इस कंपाउंड में Cl2H रिएक्शन करा रहा है Cl2H2, और इसका अगर कोई भी रिएक्शन होता ही नहीं है यहाँ पे, अब मान लो कैसा कोई कंपाउंड है CH2CH2, इसमें Cl2H2 करोगे इसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड कोई भी मोनोक्लोरिनेशन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा आ रहा है, अनसेचुरेटेड दोनों कार्बन है यहाँ पे, कोई भी कार्बन सेचुरेटेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो नहीं होगा। तो जो मोनो हैलोजिनेशन प्रोसेस है, चैप्टर का नाम क्या, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चर को, जिसका अगर Cl2H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और कुछ फ्लोराइड बन पा रहा है, अल्काइल हैलाइड बन पा रहा है, हम लोग बोलेंगे इसमें क्या होगा, सेचुरेटेड कार्बन प्रजेंट है और कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है, ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर। किस तरीके से सोचना था क्वेश्चन इसका, अब एक सेक्शन कर सकते हो तुम लोग, बाकी पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीपीपी डिस्कस करेंगे, बाकी इसका एक सेक्शन कर सकते हो सेक्शन फर्स्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये देख रहे थे मोनो हैलोजिनेशन, काफी आसान सा पार्ट है, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, नंबर पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप का, उस केस में हो सकता है कि स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसमें, जब डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन पता कर लोगे तो वहीं पे तो इनको सिर्फ एडी तो करना होता है, एच को रिप्लेस करके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन, और ये और भी ज्यादा आसान है। कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन, और ये प्रोसेस कहाँ पे करते हैं हम लोग, अल्किन एंड अल्काइन, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए, अल्किन एंड अल्काइन को। अब इसका जो रिएक्शन देखोगे इस केस में, कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हो
उसका रिएक्शन अगर अब यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ एच टू, उसको लिख लो ऊपर एडिशन ऑफ एच टू। इसमें एडिशन हो देखेंगे अभी, तो कहीं पर भी एच टू का एडिशन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। और ये एडिशन अगर किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? यहाँ पे जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसका रिएक्शन एच टू के साथ करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कोई मेटल कैटलिस्ट होता है, निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, तो जनरली इसी तीनों का यूज करते हैं। तो एच टू तो हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन, और निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको कि बोलते हैं मेटल कैटलिस्ट। और जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, बस एक ये जनरल रिएक्शन था कि कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेट बोलने का मीनिंग क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसका रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो किसमें कन्वर्ट कर देता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। बिल्कुल कैटलिस्ट का काम क्या होता है पढ़े हो गए, या फिर यहाँ पे एक अलग चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे जब पढ़ोगे तो उसका यूज पता चल पाएगा तुम्हें कि कैटलिस्ट क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करता है, उसके इसमें डिक्रीज भी करता है बट जनरली क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे कोई अल्केन अगर आ रहा है इस टाइप से, यहाँ से देखोगे आर सी आर डबल बॉन्ड सी, कैपिटल आर का मीनिंग क्या होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। सही है, बिल्कुल कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, अल्केन नहीं बोल सकते, अल्काइल ग्रुप चाहे मिथाइल हो इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी हो। जब इस अल्कीन का अभी क्या आ रहा है ये अल्कीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जब इस अल्कीन का रिएक्शन एच टू एन आई लिया जाए या फिर पी टी या पी डी किसी के प्रेजेंस में अगर एच टू का एडिशन कराते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें पाई बॉन्ड जो होता है एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड जनरली वीक बॉन्ड होता है वो अभी याद रखना है, और उसी पाई बॉन्ड के अलोंग एच और एच आ करके ऐड हो जाता है। अब बोलो सर ये कैसे ऐड हो रहा है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इतना मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इस केस में कैसे सोच सकते हो। यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वो वैलेंट बॉन्ड एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, जब रिएक्शन करता तो ये ऐसे सोच सकते हो कि दोनों क्या होगा इसमें अलग हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है। एच टू क्या होता है एच सिंगल बॉन्ड एच, एच सिंगल बॉन्ड एच, अब अल्किन के प्रेजेंस में ये भी डिसोसिएट हो जाता है सिंगल बॉन्ड, और यही एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ये एच और एच। बाकी इसका डिटेल शेयरिंग से बने होते इसलिए वापस आ जाए, बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है शेयरिंग से बनता है, तभी जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था वो डिसोसिएट होता है ब्रेक होता है, और इसमें जो एच टू का जो बॉन्ड था यहाँ पे एच टू मॉलिक्यूल में जो एच टू था ये भी बॉन्ड डिसोसिएट होता है और पाई बॉन्ड भी डिसोसिएट हो जाएगा, और दोनों का फिर एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर के एच और एच का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका और भी डिटेल मैकेनिज्म जब ट्वेल्थ में पढ़ेंगे दोबारा ये ट्वेल्थ में आता है रिएक्शन वहाँ पे डिटेल में और भी देख पाएंगे हम लोग। बेसिकली ये जो रिएक्शन होता है जब मेटल होता है ये मेटल प्लेट पे ये रिएक्शन होता है, मान लो कि निकेल या प्लेटिनम मेटल प्लेट है इस मेटल प्लेट पे रिएक्शन होता है, और मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का,
लूज कर, सही बिल्कुल, मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा वो, वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल से भी, बट उतने डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग। सिंपली अभी याद रखना कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और H2 भी ब्रेक होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। सर फिर एल्केन फॉर्म होगा ना? बिल्कुल, ये क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मींस एल्केन ही तो ये क्या होगा, एल्केन फॉर्म हो जाता है। और इसी सेम तरीके से अगर अल्काइन भी होता है यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CR और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाए H2, अब तीनों में से किसी एक को यूज करो, NI, TT या PD में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई भी यूज किया जा सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखोगे दो दो पाई बॉन्ड है और जब दो दो पाई बॉन्ड है, जब एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा था, एक H और H मॉलिक्यूल आकर के हो रहा था, H2 मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल H2 यूज हो रहा था। जब दो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल H2 यूज होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा लगते। इसमें क्या होगा, जब जैसे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इसमें क्या होता है, H और H ऐड हो रहा था यहाँ पे, उसी तरीके से जब दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा हो जाएगा, ये भी H और H आ जाता है यहाँ पे, ये भी अल्केनी बन जाता है। इसलिए मैंने बोला था दोनों अल्केन बना, दैट मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्किन हो या फिर अल्काइन हो, उसका रिएक्शन अगर H2NI के साथ होता है, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन अल्केन में। तो सिंपल सा कि पाई बॉन्ड को हटाना है और उसी पाई बॉन्ड में ये H2 का एडिशन हो जाता है, एच और एच, और कार्बन का जो रिएक्शन को रिवर्स, नहीं रिवर्स रिएक्शन ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड ही जाएगा, रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, ये क्या होगा, अल्किन से अल्केन में जा रहा है और अल्काइन से अल्केन में, ये रिवर्सिबल नहीं हो पाता यहाँ पर, क्योंकि जब इस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होता है इसमें, इसमें डेल एच का वैल्यू वो यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, ये क्या रहेगा, डेल एच का वैल्यू, मैकेनिकल चेंजेस लाइक, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो इसमें, कुछ मैकेनिकल चेंजेस इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंजेस, अब केमिकल चेंजेस देखो इसमें ऐसा रिवर्सिबल इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो अल्किन का प्रॉपर्टीज है, जब वो अल्केन बन गया तो सारा प्रॉपर्टीज अल्केन का ही हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कुछ भी रिवर्सिबल नहीं होता, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। क्यों होता है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि इसमें जो डेल एच अगर नेगेटिव में लिखा जा रहा है इस टाइप से, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है वहाँ पे है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, सही है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इनर्जी नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है, इनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे इस प्रोसेस में, और इनर्जी अगर रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो खुद ब खुद प्रोसेस होता है वहाँ पे, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, वो खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है, इनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ये रिवर्सिबल नहीं होता यहाँ पे, बस इतना याद रखना। और इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होता है यहाँ पे, जो इनर्जी रिलीज होता है इसमें, जो बेसिकली हम हीट वर्ड यूज करते हैं, इसी एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सिंपल सा है कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, जो हीट रिलीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सर वो डेल्टा एच है क्या? बिल्कुल, ये क्या डेल्टा एच, बाकी है तुम लोग एक चैप्टर है अभी 11th में ही, थर्मोडायनामिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में, वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वहां पे डिटेल में, डेल्टा एच होता क्या है, चेंज इन एनर्जी। सर केबीपीवाई में भी थर्मोडायनामिक्स है, इसमें इस साल के केबीपीवाई का सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स है, वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनामिक्स, इवन फिजिक्स में भी पढ़ाना होता है थर्मोडायनामिक्स, और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स है, तुम्हारा जो भी केबीपीवाई का सिलेबस वो सब कवर होगा यहाँ पे, इतना भी उसमें सिलेबस दिया गया है।
केमिस्ट्री मैथ्स में जो भी सी लगा चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो हीट रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, उसको क्या बोलना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो करना इसमें कुछ नहीं है, जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे एच टू का जब एडिशन होता है वहां पे एच और एच आकर के ऐड हो जाता है। यहाँ तक कॉपी करो, बस एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हो गया सर, वन मिनट सर, कर लो कॉपी कर लो पहले। Done, sir. तो ठीक है, इसका जब प्रोडक्ट बनाना होगा तो काफी आसान होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और एच तो अंडरस्टूड था कि एच आकर के ऐड हो चुका जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट हो रहा है वहां पर। एग्जाम्पल इसमें देखें, यहाँ पे मान लो कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम्हें H2NI दिया है, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो सोच के बताना प्रोडक्ट का नेम। H2PD, तीनों में से कोई भी रह सकता है, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम। H2NI, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सब कुछ एजिटी, सिर्फ जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में उसको हटा करके दोनों जगह क्या करते हैं, H और H ले आएंगे। सही है बिल्कुल विवेक, ये क्या रहेगा प्रोपेन, ये क्या रहेगा इसमें प्रोपेन। इसमें क्या क्वेश्चन, क्या प्रोडक्ट बताना था यहाँ पे सर, बताओ सर। प्रोपेन आए, ये क्या रहेगा प्रोपेन। तो जहां कहीं भी पाई बॉन्ड है उसी पाई बॉन्ड के अलावा एच और एच को ऐड कर देना था, जो कि पीछे देख भी पा रहे थे हम लोग। क्लियर है यहाँ पे, सेकंड में क्या बन जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट, उसे सोचो, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे एच और एच आकर के ऐड हो चुका है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, अंडरस्टूड है। दैट मींस पाई बॉन्ड को हटा देने वहां पर, इसमें क्या बन जाएगा लास्ट वाले में सर, दो बनेगा ना लास्ट वाले में, नहीं इसमें भी एक ही बनेगा, एक ही केस में एच और एच आकर के ऐड होगा, और इसमें भी एक ही मॉलिक्यूल में एच, दो मॉलिक्यूल एच टू यूज होगा, ये बोल सकते हैं एच टू दो मॉलिक्यूल से हो जाएगा, एक एच टू मॉलिक्यूल यहाँ पे और एक एच टू मॉलिक्यूल यहाँ पे, पेंटेन। सही बिल्कुल, कंपाउंड क्या बन जाता है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन सर। मतलब यही मीनिंग है सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है। बिल्कुल, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को हटा के क्या करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट कर देना है, सैचुरेटेड, उसको हटा देना है वहां पर, बस इतना ही करना है इसमें। कोई भी एग्जांपल हो इस टाइप का भी कुछ आ रहा है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पे, इसमें अगर H2NI है इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, थ्री इथाइल पेंटेन। सही बिल्कुल, ये क्या बन जाता है थ्री इथाइल पेंटेन, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को हटा देना था। अब इसमें अगर ये पूछा जाता कि H2 मॉलिक्यूल्स कितना यूज होगा इस रिएक्शन में, थ्री फोर 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 फोर, क्योंकि फोर पाई बॉन्ड है, जितना पाई बॉन्ड होता है उतना H2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा, यहाँ पे फोर पाई बॉन्ड है दैट मींस फोर H2, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड था तो दो H2, वो अंडरस्टूड आता है, गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक एक। क्लियर है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कितने H2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, बिल्कुल हो सकता है वहां पर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट कर लो, जितना पाई बॉन्ड होगा उतना H2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा उस
कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो तुम लोगों का जो होमवर्क है इसका तुम लोग स्टार्ट करेंगे होमवर्क डिस्कशन, बट नोमेनक्लेचर का तुम्हारा डीपीपी पेंडिंग है। तो डीपीपी कहाँ तक डिस्कस हो चुका है बताओ सब लोग, डीपीपी नंबर कहाँ तक हो चुका है डिस्कस? 3 तक हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वेडनेसडे को, सब लोग ट्राई करो कि एकदम पूरा कंप्लीट करें A4, A5, A6 और A7। ये तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है। आंसर की दिया गया तो उसमें आंसर मैच भी करा सकते हो। देखते हैं कुछ लोग बोलो सर 4 तक हो गया है, ठीक है देखते हैं 4 तक, कुछ डाउट होगा 4 में भी नो ले लेंगे उसको। 4 तक हो गया तो 5, 6, 7 कर लेना है आपका। चलो ठीक है, फिर अभी मैं सेशन एंड करता हूँ यहीं पे। बाकी ये जो चैप्टर है काफी आसान चैप्टर है, ध्यान दोगे तो ये काफी अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर, बाय। ओके बाय। ओके सर, बाय सर।